हाय गाइस, दिस इज़ विजय कुमार राठौड़। आज हम देखेंगे कि भाई जूम एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है और यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल में सर्च करेंगे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड फॉर पीसी। यहां पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट जो लिंक हमें एक्सेस करने के लिए मिल रही है डाउनलोड सेंटर से, हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड, यहाँ पर क्या है जूम क्लाइंट हमें एक्सेस करना रहेगा। जूम एप्लीकेशन के द्वारा हम जो भी ऑनलाइन टीचिंग या तो मीटिंग्स हैं उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जनरली मीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन जो भी वीडियो ट्यूटोरियल के लिए या तो कोई भी पर्टिकुलर कन्वर्जेशन के लिए। तो यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे। ये दो पर्टिकुलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, सिस्टम के लिए और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन एक्सेस कर रहा है, डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेव फाइल और यहाँ पर जो हमारा डाउनलोड्स का लिस्ट है उसके अंदर हम देख रहे हैं ये लगभग 10.8 MB की एप्लीकेशन है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे डबल क्लिक करके। वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इट नाउ। यहाँ पर हमें परमिशन मांगी जा रही है, उसको हम करेंगे क्लिक रन एनीवे। परमिशन देने के बाद यहाँ पर उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं। पहले ये आपके सिस्टम को इनिशियलाइज़ करेगा। अगर आप विंडोज़ 7 या तो उसके अपर वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ आपको .NET फ्रेमवर्क उसको इंस्टॉल करना रहेगा। यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप देख रहे हैं बहुत फास्ट है। जूम एप्लीकेशन बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉलेशन होने के बाद हमें फर्स्ट स्क्रीन जो देखने को मिल रही है जूम क्लाउड मीटिंग करके ऑप्शन है, यहाँ पर हमें साइन इन करना रहेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो साइन अप फ्री करके क्लिक है उस पर, जो लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल रहा हूँ January 22, 1986 फॉर एग्ज़ाम्पल, और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई हमारा जो भी ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल आईडी है raathod.software, आप देख सकते हैं ऑलरेडी आ गया रेफरेंस इसमें से, और साइन अप पे क्लिक करना है। और आपके जीमेल अकाउंट के अंदर एक उसका वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइन अप कर लिया है तो शायद पुराना मेल भी हम एक्सेस कर सकते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। इट्स प्रोसेसिंग। यहाँ पर आपको मैसेज दिख रहा है कि भाई आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजा गया है। अपडेट्स में देखते हैं, लेट्स सी द प्रोसेस। ये रहा जूम अकाउंट साइन अप असिस्टेंट, यहाँ पर हम साइन इन करेंगे। जो भी हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो डालने के बाद हम साइन इन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेरा ईमेल आईडी डाल रहा हूँ पासवर्ड डालेंगे। इसमें आपको कैपिटल स्मॉल डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना रहेगा। मैंने यहाँ पर सभी का यूज़ किया हुआ है। नाउ इट्स गोइंग टू सेव माय प्रोफाइल, यहाँ पर मेरी प्रोफाइल बन गई है और हम सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कीप मी साइन इन, तो बार बार मुझे साइन अप नहीं करना पड़ेगा, साइन इन नहीं करना पड़ेगा। वेट फॉर अ मिनट।
यहाँ पर आप देख सकते हैं वो साइन इन हो रहा है। ओके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू मीटिंग से हम क्या करेंगे कि भाई हमारा जो भी यूज़र्स हैं सभी यूज़र्स को हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे, उनको इनविटेशन लिंक सेंड करेंगे। मैं मेरे वीडियो को एक्सेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, स्लोडिंग। ओके यहाँ पर ऑप्शन है मैनेज पार्टिसिपेंट्स करके, उस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड आपका इनविटेशन ऑप्शन जो है वो एक्सेस हो जाएगा। इवन दो ये एप्लीकेशन आपका जो बेसिक ऑडियो विजुअल के लिए जो सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर यूज़ किया जाता है उसको वो डिटेक्ट करेगा। जॉइन विद कंप्यूटर ऑडियो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं वीडियो को स्टॉप कर दूँगा। ओके थैंक यू। यहाँ पर मैनेज पार्टिसिपेंट पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा इनवाइट। आप राइट हैंड साइड बॉटम मोस्ट पार्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, लेट्स सी। जूम इन करने के बाद हम एक्सेस करेंगे, ये रहा ऑप्शन इनवाइट करके, ठीक है। दिस इज़ द ऑप्शन, आप देख सकते हैं इनवाइट। इनवाइट पे क्लिक करना है, अभी मैं जूम आउट करूँगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट जो है वो ऐड करा हुआ है, यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है सनी पटेल करके, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है। बट हम इनविटेशन ऐड इनविटेशन भी भेज सकते हैं, कॉपी इनविटेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद सपोज़ मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेस्ट करने के बाद उसकी लिंक और आईडी पासवर्ड दिख रहा है। मैं मेरे फ्रेंड मीठालाल सर को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए web.whatsapp.com वेबसाइट पे मेरा व्हाट्सएप ओपन करके लिंक सेंड कर दिया हूँ। अभी ही थोड़ी ही देर में वो सर जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए पहले आपको आईडी डालना रहेगा और उसके बाद आपको उसका जो भी रिस्पेक्टिव पासवर्ड है वो ऐड करना रहेगा। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जो भी यूज़र्स आपसे जुड़ रहे हैं उनको एडमिट करना रहेगा, वो अपने आप ही ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हमारे जो भी रिस्पेक्टिव कंटेंट है उसको शेयर कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, पीडीएफ हो, पीपीटी हो या तो वीडियो हो। बेसिकली जनरली वीडियो हम यूट्यूब के ऊपर लोड करके ही शेयर करें तो वो बेटर रहेगा। यस देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीठालाल सर की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर मुझे मिल गई, मैंने एडमिट पे क्लिक किया और सर मुझे अभी ज्वाइन करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मीटिंग, लेट्स सी द प्रोसेस। अभी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रहे हैं, मीठालाल सर का शायद वीडियो भी स्टार्ट हो गया। वेलकम मीठालाल सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर और भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर उनको उनको होस्ट के तौर पर भी सेट कर सकते हैं। तो मीठालाल सर अभी होस्ट हो गए हैं, यहाँ पर एक के साथ दो पर्टिकुलर होस्ट एक साथ पढ़ा सकते हैं अगर पढ़ाना है तो। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, चैट भी कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन है, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हम देखेंगे। यहाँ पर जो भी रिस्पेक्टिव ओपन स्क्रीन्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। सपोज़ मैं वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, ये इसके बेसिक फीचर्स हैं और एडवांस फीचर्स में हम देख सकते हैं कि भाई आप अपना म्यूज़िक और कंप्यूटर साउंड जो है वो यहाँ से शेयर कर सकते हैं या तो स्पेसिफिक पोर्शन ही स्क्रीन का शेयर कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड कैमरा आपके लैपटॉप या तो डेस्कटॉप के साथ जुड़ा हुआ है और आप कोई भी पर्टिकुलर लिखा हुआ कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सेकंड कैमरा का भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइल्स के अंदर हम गूगल ड्राइव बॉक्स या तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स सबसे बढ़िया रहता है।
सो बेसिक फीचर्स में से हम वाइट बोर्ड का यूज़ करेंगे। वाइट बोर्ड के बहुत सारे फीचर्स को हम एक्सेस करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज टेक्स्ट, आप कुछ भी टाइप करके पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ, बहुत सारे टूल्स है, बहुत बढ़िया है। ये फर्स्ट टूल यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर लिख सकते हैं अगर लिखना है। अगर हमारे पास टच बोर्ड अवेलेबल है तो उसको हम डायरेक्ट एज अ वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे शेप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना है तो हम उसको यहाँ से एक्सेस करेंगे। स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं, स्पॉटलाइट, सपोज मुझे कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दिखाना है तो मैं यहाँ से इसको यूज़ करके पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि भाई ये ऑब्जेक्ट को ये कहते हैं करके। नेक्स्ट इज एरो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिक डिटेलिंग करना है कि भाई ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो ये है करके। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। मैं यहाँ पर इरेजर यूज़ कर रहा हूँ और सब क्लीन कर दिया। आपकी जो भी लाइन विथ है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की जो भी हाइट विथ है या तो आपकी साइज़ है, ठीक है, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अनडू रीडू की फैसिलिटी भी है, और जो भी आप कन्वर्जेशन जनरेट कर रहे हैं उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोल्डर में आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपने पढ़ाया हुआ है और आपने उसको सेव करके रखा हुआ है स्लाइड्स के थ्रू, तो वन बाय वन जो भी वाइट बोर्ड स्क्रीन है वो एज अ JPG स्टोर हो जाएगी। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और दूसरा एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और मुझे रिकॉर्डिंग करना है, तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि भाई जो भी हमारा रिकॉर्डिंग है, सर रिकॉर्डिंग के लिए आप परमिशन दीजिए प्लीज़, उसमें आपको रिक्वेस्ट आई होगी। अभी हम दो लोग एक साथ पढ़ा सकते हैं सर, रिकॉर्डिंग के लिए जब मुझे अलाउ करेंगे तो मैं यहाँ से उनको रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, अगर हम दो यूज़र्स एक साथ पढ़ा रहे हैं तो। रिमोट कंट्रोल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑटो एक्सेप्ट ऑल रिक्वेस्ट मैंने कर दिया, तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जुड़ेंगे तो वो अपने आप ही सेशन में ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे करके, तो बहुत बढ़िया रहेगा ऑप्शंस। तो जो भी हमारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग फिर से एक्सेस करेंगे, तो हम देख रहे थे कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्क्रीन शेयरिंग के अंदर। तो जो भी अलग कोई ऑप्शन शेयर करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टोरेज देख रहे थे कि भाई गूगल ड्राइव से हम डेटा शेयर कर सकते हैं। एडवांस के अंदर हम अलग स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो डिस्प्ले करना है, सिर्फ वो ही कर सकते हैं। बेसिक में आपने जो भी PPT या तो कोई भी रिस्पेक्टिव फाइल बनाया है तो उसको आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल नोटपैड शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी नोटपैड जो है वो मीठालाल सर के जो भी एप्लीकेशन इंटरफेस है उसके अंदर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हम रिकॉर्डिंग के लिए भी देख रहे थे, फिर से हम रिकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया तो अभी मेरा जो भी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई जो भी आप डिटेलिंग है वो एक्सेस कर सकते हैं बार बार। एनोटेट करके ऑप्शन है, तो उसके थ्रू आप स्पेसिफिक एरिया हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज ये मेरा PPT है तो मुझे हाईलाइट करना है कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक एरिया समझाना था, तो उसको हम हाईलाइट करके यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इसका यूज़ करके हम बहुत सारी डिटेल जो है वो ऑनलाइन एक साथ एक से ज़्यादा जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।